वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो गाइज इतनी इस टाइम अब बज रहे तीन बजे से मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया। इस टाइम भी इतनी गर्मी हो रही है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बहुत ही घना हो चुका है। दोपहर में तो बिल्कुल सूट नहीं किया जा सकता, तो इस वजह से अब ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। और आज का ब्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि हम जाने वाले हैं ठंडी ठंडी जगह पे, जहाँ पानी है जमुना। और काफ़ी दिन पहले गया था मैं वहाँ, हो गए कम से कम 3-4 साल। तो गाइज आज देखने का नज़ारा मन कर रहा था मन कि चलो घूमे आते हैं इस बहाने, और गाइज वहाँ का नज़ारा कुछ सूट करते हैं, बहुत ही प्यारा रहेगा। तो मन की मौसम भी अब ठंडा हो गया, तो फ़िलहाल यहाँ से तो चलते हैं, बाइक निकाल लेते हैं, तो मिलते हैं आगे। के पास करीब है ना, अभी थोड़ा यहाँ से ये है ना, ये पास में यहाँ से शायद 301 मीटर दूर है। तो गाइज यहाँ से रखते हैं इनके, यहाँ बैठ आराम से खड़े होके देखते हैं इनकी। और गाइज आप जैसा कि देख रहे हो ये सारे खेत, इससे आगे थोड़ा आगे चलोगे यहाँ सबसे ज़्यादा सब्जी फल वगैरह सबसे ज़्यादा होते हैं यहाँ पे, वो खीरा तो बहुत ही ज़्यादा हो रहे थे रास्ते में देखे थे, क्योंकि मीठा पानी है ना जमुना के पास, तो काफ़ी फसल यहाँ सब्जी की ज़्यादा होती है। और गन्ने का जैसा मीठा होता, तो गन्ने की फसल भी यहाँ है, अभी स्टार्टअप ही है गन्ने का। तो गाइज जैसा कि आप देख रहे हैं, अब यहाँ से आगे धूप ही धूप है, मैं यहाँ थोड़ा सूट कर लेता हूँ, और यहाँ का व्यू जितना अच्छा आ रहा है, तो गाइज आगे चल के देखते हैं जमुना का नज़ारा लेते हैं, तो चलते हैं आगे। तो गाइज फाइनली पहुंच गए हम जमुना के पास, और यहाँ पे इतनी शुद्ध हवा चल रही है, मस्त ही नज़ारा है। और पीछे देखो कुत्तों ने रेत उड़ा रखा है, बिल्कुल गर्दम मचा रखा है। तो गाइज फिलहाल चलते हैं जमुना के पुल पे, कुछ नज़ारा दिखाते हैं आपको आगे। गाइज ये देखो बहुत ही प्यारा पानी चल रहा है, पानी कम है यहाँ पर। तो ये देखो ये कुछ पुल पे पता नहीं पुल बना रहे हैं क्या, कुछ काम कर रहे हैं। और गाइज यहाँ जमुना में पानी बिल्कुल कम है इस टाइम, और ये देखो बहुत ही प्यारा नज़ारा। और ये इनसे पुल बनता है, रखे हैं मोटे मोटे से ढोल बोलते हैं इन्हें। और पूरा मैदान यहाँ खाली देख नज़र आएगा, ये देखो वो ये झोंपड़ी, कोई जीव जानवर नहीं बच जाए खेत में। तो गाइस चलते हैं आगे, चाबी रख देता हूँ, पता लगे चाबी गिर जाए ढूंढते रहें, और पैर भी निकल सकता है इसमें नीचे, ये देखो फ़ोन भी गिर सकता है, देखो देख के चलना पड़ेगा नीचे। और मुझे तो डर सा लग रहा क्योंकि पुल पे मुझे डर लगता है भाई, और हम बिल्कुल ही जमुना के बीच में आ चुके हैं पुल पे, वो पहले थे आधा था, यहाँ से बुग्गियों में जाते थे, अब तो बिल्कुल ही, और इन्हें निकालने लग रहे हैं जमुना में, डोरा फंस गए। ये देखा जा गए हम दूसरी पल्ली पार, भाई बहुत रिस्की है, रिस्की काम है बाइक निकालना, ये देखो भाई बहुत रिस्क है, यहाँ पे बाइक निकालते हैं, गिरने का पूरा खतरा है। गिरने का फुल खतरा रहता है भाई, बहुत रिस्क काम है भाई। और गाइज आपने अभी देखा जमुना के पुल पे कितना रिस्की काम है मोटरसाइकिल चढ़ाना, घूमने के लिए आए थे, बहुत ज़्यादा रिक्स लेकर यहाँ से निकलते हैं, आधे रास्ता तो बना रखा है ये पीछे, ये देखो ये कट्टे से ये पूरा रास्ता बना रखा है, अभी थोड़ा सा यहाँ पे ना पुल पे देखते हैं। और जमुना के पास मस्त नज़ारा है, ये देखो पीछे जहाँ भी आपकी नजर आ जाएगी मस्त, और हवा चल रही है बहुत तेज, मुझे इस पे चलने में डर लगेगा।
चलते हैं। और गाइस जहाँ तक निगाह जा रही है तो मस्त जमुना इधर से बहुत बढ़िया है अब तो यहाँ से, और पीछे यहाँ से निकल के पहुँच जाते हैं दूसरी स्टेट में, हम बिल्कुल बॉर्डर से खड़े हुए हैं। और गाइस अब यहाँ से हम निकल चुके हैं, हमने देख लिया डेंजर ही नज़ारा था, बाइक वाला देखो तो भाई बहुत डेंजर सीन था, और आँखों पर धूप लग रही है, बाल से हवा में कैसे हो गए। गाइस फिलहाल यहाँ से निकलते हैं और बाजार में भूख सी लग रही है तो फिलहाल कुछ खाते हैं, तो निकाल लेते हैं बाइक। हमने बाइक अपनी पार्क कर दी और भूख लग रही है, फिलहाल टिक्की का ऑर्डर दे दिया तो टिक्की वाला टिक्की बना रहा भाई, दो टिक्की लगवाई हमने और काफ़ी देर से घूम रहे थे, भूख लग रही है तो और यहाँ पर बैठ के टिक्की का वेट कर रहे हैं, अभी टाइम लगेगा टिक्की बनने में, लगे 5-7 मिनट। तो गाइस ये हमारी टिक्की आ चुकी है छोले वाली, तो कोल्ड ड्रिंक और दे दे भाई 5 मिनट, छोले वाली टिक्की। यहाँ हसनपुर की टिक्की खाने का कुछ अलग ही वो है भाई, ये अलग तरीके से लेते हैं। गाइस फिलहाल खा लेते हैं टिक्की उसके बाद करते हैं आपसे बात। गाइस ये आ गई हमारी कोल्ड ड्रिंक और फिलहाल खा लेते हैं टिक्की उसके बाद करते हैं आपसे बात। तो होगी हमारी फिनिश तो यहाँ से चलते हैं, जाम लग गया और आगे खड़ी कर दी है, देखते हैं कि उठाना ले जाए। तो गाइस तो यहाँ से निकलते हैं, चलते हैं बाइक के पास, बाइक ढूंढते हैं, बाइक किधर खड़ी कर दी हमारी, खेत क्या खड़ी हमारी, वो खड़ी मिल तो गई भाई। तो गाइस हमारी बाइक मिल चुकी है और फिलहाल चलते हैं घर, पहुँच गए हैं घर, चलते हैं अपने रूम में, पंखा चला लेते हैं। और गाइस फाइनली आ गए घर और बहुत ही आराम, बड़े थोड़ा घूमने में थोड़ा अजीब सा लगता है गर्मी में ना, थोड़ा थक जाते हैं। और गाइस फिलहाल के लिए बस इतना ही, और हमारा ये छोटा सा ब्लॉग आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।